अमृतसर जम्मू नेशनल हाईवे पर मलकपुर के पास बरसाती पानी इकट्ठा होने से दुकानदारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क की ढलान सही न होने से ये समस्या पेश आ रही है। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि सड़क निर्माण के दौरान सड़क की लेवलिंग नहीं की गई थी। उन्होंने जेएस ग्रोवर को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि पानी इकट्ठा होने से उनकी दुकानदारी तो प्रभावित हो ही रही है, साथ ही मक्खी मच्छर भी पनप रहे हैं। पानी इस करके खड़ा जी, पानी बरसात का पानी है। इन्होंने एक रोड वाले ने ना लैवल नहीं किया पूरा, तो पानी जाने निकास है सके, तो अगर ग्रोवर जी एस ग्रोवर जी ने उन्होंने ना पानी बंद कर दिता। तो यह अगर पैप पा के इन्हें बथेरा आखिर भी पैप पा लो उन्होंने पानी अंदर चलान दे पिछले खेतों वास्ते। ये किसी की गल नहीं मनते, इन्होंने लड़ाई झगड़ा बड़े बड़ी होना राजपाल का, तो इदा का जी एस ग्रोवर का, तो ये लोग मनते नहीं है। ये बिल्कुल साढ़े दुकाना सारी खराब हो गई, इतों तक पानी आई जा रहा है, सा कारोबार बिल्कुल बंद पाया वा। इन्होंने कारोबार कोई फर्क नहीं पाया। अभी बहुत दुखी है इस लोगों ने, इन्हों को बहुत दुखी हो गया जी। पानी मैं कहता अगर डक लाया राजपाल उन्होंने, तो अगे जी एस ग्रुप ने अगर है रस्ता है पानी जान नहीं जान देते पानी अंदर। ये बहुत सारी दुनिया दुखी हो गई पी है, मेहरबानी करके इन्हों को जान छाओ साढ़े इन्होंने। Once you visit this campus, your all queries regarding admission shall be fulfilled. Do visit us before seeking admission anyway. कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए, उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम।